कि कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। जो महाराष्ट्र के बचे हुए उम्मीदवार हैं, संभव है कि उन पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव पर लगातार तैयारियां हर पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी जुटी हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस से बड़ी खबर है ये कि बैठक थोड़ी ही देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होने जा रही है। जो अब बच गए हैं उम्मीदवार, जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाना बाकी है, उन्हीं पर चर्चा होगी इस बैठक में, ऐसी जानकारी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। जो कुछ नाम बचे हैं अभी, क्या और डिटेल्स इस पर बैठक को लेकर जानकारी, हमारे पास दो सहयोगी हमारे साथ, जैनेन्द्र और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्यों बैठक होनी है, क्या कुछ इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सबसे बड़ी कमेटी होती है, जो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो टिकट फाइनल करती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसमें से 60 सीटों पर सीसी की जो पिछली बैठक हुई थी महाराष्ट्र को लेकर, उसमें उम्मीदवार तय हो गए थे। 40 के करीब में सीटें बची हुई हैं, जिन पर आज कांग्रेस सीसी जो है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते हैं, राहुल गांधी शामिल होते हैं, पिछली बैठक में सोनिया गांधी भी आई थी, प्रदेश के नेता होते हैं, तो तकरीबन 40 सीटों पर आज मुहर लगेगी। और संभावना है कि महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की दूसरी सूची भी आ जाए। इससे पहले कल जो एक सूची, पहली सूची महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने जारी की थी, उसमें 48 उम्मीदवारों के नाम थे। ज्यादातर जो बड़े नाम है कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन सबके नाम थे। तकरीबन 27 उसमें जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम थे। तो 48 सीटों पर ऐलान हो चुका है। जितनी सीटें फाइनल हुई हैं उसमें 12 सीटें बची हैं जिन पर ऐलान बाकी है, और जो कुल सीटें लड़नी है उसमें तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार तय करना बाकी है। तो आज की सीसी की बैठक में जो बची हुई 40 सीटें हैं उनके उम्मीदवार तय होंगे, और उसके बाद संभावना है कि आज दूसरी लिस्ट आए, जो सभी उम्मीदवारों की तो नहीं होगी, लेकिन जरूर कुछ और नाम दूसरी सूची में महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस जारी कर सकती है। आप रहिए मेरे साथ। तो महाराष्ट्र चुनाव से बड़ा अपडेट जैनेन्द्र आपको बता रहे थे। इसी बीच इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट 94, शरद गुट 84 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। यह इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है, लेफ्ट को भी 3 सीट, पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो यह फिलहाल फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिया गठबंधन में किस तरह से कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। जैनेन्द्र, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है, कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस तकरीबन 103 सीटों पर लड़ने जा रही है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 94 सीटों पर लड़ सकती है, शरद पवार की एनसीपी को 84 सीटें मिल सकती हैं महाविकास अघाड़ी में, इंडिया अलायंस में 3 सीट सीपीएम को मिल सकती है लेफ्ट के तौर पर, और 2 सीट समाजवादी पार्टी को, और 2 सीट पीडब्ल्यूपी एक स्थानीय पार्टी है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, उसको मिल सकती है। दिलचस्प बात यह कि 4 सीटों पर तो ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। ऐसे में संभावना दिख रही है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी एमवीए में होगा अगर वो सीटें विड्रॉ नहीं करती है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं उसमें गुंजाइश है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की सीटें 1-2 बढ़ जाए, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सीटें 1-2 घट सकती हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, कुछ सीटों पर अभी भी बात चल रही है, लेकिन जो संभावित फार्मूला हो सकता है, चूंकि दिलचस्पी न सिर्फ एमवीए को लेकर है बल्कि महायुति को लेकर के भी है कि फाइनल फिगर क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने वाली है, तो एक जो एमवीए के अंदर से जो फार्मूला निकलकर हमें सूत्रों से पता चला है उसमें कांग्रेस को 103 सीटें मिलती नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 94, शरद पवार की पार्टी को 84, 2 समाजवादी पार्टी, 3 लेफ्ट और 2 पीडब्ल्यूपी। इसमें कुछ फेरबदल की गुंजाइश जरूर है। जी ठीक है, तो फिलहाल ये तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो, जैनेन्द्र जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, और इसी पर एक और बड़ी खबर भी है। आरक्षण पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है, बीजेपी पर कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया, बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। नाना पटोले का यह बड़ा बयान, देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को ही आरक्षण विरोधी बताया। जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, फडणवीस ये कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी के समय से कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। राहुल और नाना पटोले भी आरक्षण विरोधी। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को संभाला है, आरक्षण के बाजू में रही है, जो हम लोग भूमिका रखते हैं। अगर ये अगर आरक्षण के बाजू में है तो मेरा बीजेपी को सवाल है कि आज ही 50% का आरक्षण का मर्यादा वो निकाले, और जो आरक्षण के प्रतिशा में लोग जो है जितनी भी जातियां है उनको सबको आरक्षण दे, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी रखती है। पर ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और ये लोग आरक्षण की बात हमसे करेंगे।
आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए। तो देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नामांकन भी दाखिल किया और लगे हाथ उन्होंने आरक्षण को लेकर निशाना भी साध दिया। हालांकि नाना पटोले को भी आपने पहले सुना कि किस तरीके से वो तो बीजेपी को ही घेर रहे थे। वैभव, देखिए चुनाव है, कोई भी मुद्दा छूटे ना, हर दल यही चाहता है और आरक्षण पर आर पार देख रहे हैं हम दोनों ही दलों की तरफ से। बिल्कुल शीरिन, देखा जाए तो देश भर में जब भी चुनाव आते हैं तो आरक्षण का मुद्दा सामने आता है, जातीय समीकरण है वो सामने आती है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में मराठा आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो, मुस्लिम हो या धनगर आरक्षण हो, इन सभी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति है, सियासत है, वो गर्म हो चुकी है। अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल है वो पूरी तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, लक्ष्मण हाके है वो ओबीसी मोर्चा संभाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए, जी वैभव जी, दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरी तरह से आरक्षण का जो मामला है वो गर्म हो चुका है। और संविधान की जो बात आती है, जब लोकसभा चुनाव थे तो महाराष्ट्र में इसी प्रकार का अंडरग्राउंड जो प्रचार हुआ था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में है। ABP News, आपको रखे आगे।